गूगल टाइम इंडिया से सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और 12:20 दिल्ली में एक छोटी सी जगह है ये महरौली में राजौन की बावरी के नाम से जानी जाती है। ये बावरी आप देखो पूरी नीचे और बहुत ही है ना इंटरेस्टिंग यहाँ की हिस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अभी कुछ नहीं दिख रही क्योंकि लाइट बहुत कम है, लाइट बढ़ाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। थोड़ी थोड़ी दिखनी चालू हुई है, ये देखो ये पूरी बावरी है और ये सारा ऊपर तक ये गुंबद ये सब बहुत, अब ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, अब ये मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा पानी क्यों है इसमें, सॉरी लाइट बंद हो गई मेरे से, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पे। आया थोड़ी सी नीचे, 1506 में दौलत खान ने ये बनवाई थी। इसका जो बनवाने का पर्पस था वो ये था कि जब दिल्ली एक मिडल पॉइंट था, जब भी ये कहीं जाते थे आते थे तो दिल्ली बीच में पड़ती थी, अफगानिस्तान से ये जाते थे साउथ की तरफ तो दिल्ली बीच में पड़ती थी, तो ये एज अ रेस्ट के पर्पस के लिए यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, दिखा देता हूँ आपको। आ जाओ ये जो एक अब बहुत ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया है इसको, देखो ये पूरी दोबारा कंस्ट्रक्ट हो रही है क्योंकि पहले से दोबारा टूट गई है और प्यार की निशानी बंदों ने जो दे रखी है अपनी यहाँ पर तो ये यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि थोड़ी बहुत हॉन्टेड एक्टिविटी होती है। तो अब से हम जिस भी लोकेशन पे जाएंगे ना तो आपने उसका टाइटल देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है भूत दिखेगा क्या, पता नहीं हमें दिखेगा नहीं दिखेगा लेकिन मैं ये टाइटल यूज़ करना चाहता हूँ हर जगह, भूत दिखेगा क्या। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो को बड़ा प्यार दिया उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। जो बरगद का पेड़ था मोरने हिल्स में, बाकी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं चाहता हूँ दोबारा मैं वहाँ जाऊँ, उस चीज़ को कवर करूँ, उसको दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो को दोबारा से। बाकी एक काफ़ी टाइम हो गया था आपसे एक मतलब मिले हुए गेट टुगेदर करे हुए, तो इसलिए मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाने की सोची है और मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो राजौन की बावली के नाम से जाना जाता है महरौली में, एग्रीकल्चरल जो ये पूरा पार्क है इसके अंदर पड़ती है और बहुत 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 हिस्टोरिकल चीज़ है, बहुत हिस्टोरिकल चीज़। सामने आपको ना सामने जीना दिख रहा होगा ऊपर जाने के लिए, पहले बात तो देखो ये गंदी कितनी हो चुकी है, काई इतनी ज़्यादा जम चुकी है इस पर जिसके कारण कुछ भी देखा नहीं जा सकता और बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है और बहुत हाइट इसकी बहुत ऊपर आई हुई है। मैं यहाँ पे आया था काफ़ी साल पहले तो मैंने देखा था ये बहुत नीचे थी, इतनी ऊपर इसकी बहुत ऊपर आया हुआ पानी, बहुत ज़्यादा ऊपर। अभी पूरी ना बावली रिकंस्ट्रक्ट करी हुई है, साफ साफ देखा जा सकता है ये जो पहले का ये सब मटेरियल यूज नहीं होता था ये रियल है, लेकिन ये पूरा दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करा गया है। मैं सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि 1506 बहुत बहुत पुराना टाइम और बहुत पुरानी आप कह सकते हो ये है। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त ये सारे घूम रहे हैं यहाँ पे क्योंकि और आज ये भूख नहीं लगी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि साथ साथ एंजॉय करते हैं हमारे, इन्हें खिला दिया ना आज, इन्हें खिला इनको चावल खिला दिए, चावल रखे हुए थे राकेश के बैग में थोड़े से तो राइस इनको खिला दिया, तो शायद ये दोस्त बन गए हमारे। हर कोई आजकल मतलब का ही दोस्त है तो भाई ये भी मतलब से हमारे दोस्त बन गए।
बहुत छोटी सी लोकेशन है यार, तो मैंने सोचा जल्दी से काफ़ी दिन आपसे मिले हुए, बाकी कहीं जाने वाला हूँ मैं स्पेशल, और आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब जाने वाला क्यों होके आ चुका हूँ, वहाँ की वीडियोस पे कुछ काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा आपको। और ऐसी लोकेशंस हैं आजकल, एक तो ये है बंदे कॉपी भी करने बहुत लगे हैं, तो लेकिन जो भी मिलेगा ना फ्रेश माल वो यही मिलेगा सबसे पहले देखने को। तो ये भाई मैं बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आपको एक वीडियो ला के देता हूँ। और ये थी राजौन की बावली, ये प्लेन जा रहा हूँ ऊपर से, जिसका शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि सर माइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका छोटी छोटी चीज़ों को क्या चल रहा है। ये देख लो आप कितनी लंबी गैलरी है और बहुत इंटरेस्टिंग देखने में लग रही है। मतलब आगे आगे ना सुबह आ सकते हो, सुबह आगे आप फोटो वोटो शूट कर सकते हो, थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर सकते हो। आजकल टिकटॉक तो बैन हो गया, तो लेकिन फिर भी अपने इंस्टाग्राम के लिए, और हाँ इंस्टाग्राम से याद आया कि मेरे को इंस्टाग्राम पे आके ज़रूर फॉलो कर लेना भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आपको मैं टच में रहूँगा, आपसे बात करता हूँ मैं, सबसे सबके रिप्लाई करता रहता हूँ। बड़ा मज़ा आता है आपके थॉट्स जानने में कि आपको क्या चीज़ें पसंद है क्या चीज़ें पसंद नहीं है, और आप भी बहुत सारी जगह मेरे को सजेस्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर फॉलो कर लेना। तो बस छोटी सी वीडियो, छोटी सी आपकी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए आपसे मिला इतने दिनों बाद, बड़ा अच्छा लगा कैमरे के आगे आके, और क्योंकि ये बहुत दिन बाद कुछ शूट कर रहा हूँ मैं ऐसा। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, चैनल को प्यार दो, मुझे प्यार दो, जो आप देते हैं हमेशा से। लव यू।